अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पेट्रोल डीजल कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम जन जीवन प्रभावित होने लगा है। गंभीर बात यह भी है कि कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हो या नहीं, देश में तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। देश के अधिकांश राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को पार कर गई है। आम नागरिकों की इस समस्या को लेकर आज कांग्रेस व रालोद ने अलग अलग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मेरठ मुख्यालय पर दोनों ही दलों ने अलग अलग जुलूस निकाल कर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धरना दिया। कांग्रेस ने रिक्शा पर बाइक लाद कर कई किलोमीटर तक का सफर तय कर अपना विरोध जताया। आइए देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें, जो पेट्रोल ने उत्तर प्रदेश में भी अशतक लगा दिया है, डीजल लगाने वाला है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, जो आम जनता इस समय महंगाई से त्राहिमाम है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इस गूंगी बहंगी सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर आकर इसे जन आंदोलन बनाने का काम कर रहा है। आज हम रिक्शे में मोटरसाइकिल खड़ी कर एक पदयात्रा 5 किलोमीटर की निकालकर पूरे जिले में और प्रदेश में और देश में संदेश देने का काम करेंगे कि अब मोटरसाइकिल या साइकिल आम आदमी लेकर नहीं चल सकता। धरने पर बैठे हुए रालोद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने फर्स्ट बाइट से यह कहा। मैं राजकुमार सांगवान और देखिए, प्रदेश में इस समय जंगल राज, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, डिक्टेटरशिप प्रदेश में इस समय चल रही है। सरकारी मशीनरी खुद गुंडागर्दी पे आमादा है और किसान परेशान है। महंगाई बेकाबू है, चाहे डीजल के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, चाहे बिजली के दाम हो, महंगाई बेकदर बढ़ी है। आम आदमी की पहुंच से सब चीज़ें बाहर हो गई हैं और किसान के गन्ने का भुगतान नहीं। ये सरकार बनने से पहले ये पार्टी बड़ी बड़ी लंबी बातें करती थी कि 14 दिन हम गन्ने का भुगतान कराएंगे। आज कई हजार करोड़ रुपया किसानों का गन्ने का सरकार पर बकाया है, चीनी मिलों पर बकाया है। और प्रदेश सरकार ने अब एक काम और कर दिया है, अभी गन्ना आयुक्त ने परसों फरमान जारी किया है कि प्रदेश में जो भी जनपद हैं जहाँ DCO कार्यालय हैं, कोई भी DCO के यहाँ से कितना बकाया गन्ने का किसानों का है, इस बात की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे। इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह का सारी चीज़ों को छुपाकर, जो नाकामी है सरकारी को उसको छुपाकर, प्रदेश का ना भला होगा, ना नौजवान का भला होगा, ना किसान का भला होगा। इस समय पूरे प्रदेश में जंगल राज है और जंगल राज के खिलाफ जो जंगली सरकार है उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता कार्यकर्ता आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का निर्देश है कि इस सरकार के खिलाफ सड़क से और प्रशासन की पूरी मशीनरी तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे नेता लड़ने का काम करेंगे और 2022 में इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धरने पर बैठी रालोद महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष संजना सिंह ने फर्स्ट बाइट से यह कहा। आज हम यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश तक ही हर जिले में धरना प्रदर्शन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, दिन बे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे वो रसोई गैस के सिलेंडर हो, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो। लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही है, अभी हमारा देश COVID-19 महामारी से लड़ रहा है और ऐसे में दिन बे दिन महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये जनता के लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि गैस के सिलेंडर पे अभी कुछ दिन पहले 25 रुपये एकदम से सरकार ने बढ़ाए थे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि घर का जो बजट होता है वो महिलाएं ही देखती हैं, लेकिन इस टाइम पे महिलाओं का बजट बिगड़ा हुआ है। जिस घर में पुरुष नहीं है, क्या सरकार का ये फर्ज नहीं है सोचने का कि अगर रसोई गैस पे भी दाम बढ़ाओगे तो महिलाएं कैसे खाएंगी, कैसे अपने बच्चों को पालेंगी? अब आप देखिए, विरोध दिखा रहे हैं आज हम लोग सारे धरने पे बैठे हैं और ये धरना मेरठ जिले में नहीं है, ये हर जिले में हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।